minority affairs to our frontier state of Arunachal Pradesh. And I also take this opportunity to welcome all the media persons who are gathered here today to have interaction with Honorable Minister. Maybe before we start the formal interaction, I'll request Honorable Minister to brief the media about his visit in Arunachal Pradesh and what is his opinion and how we can take the developmental agenda forward. Thank you. Over to you, Honorable Minister sir. Light mic ko on kar dijiye ga. Which one mic? Okay. जितने मीडिया प्रभारी आए हुए सभी को मेरे ओर से नमस्कार और हमारे अरुणाचल प्रदेश चल रहा है चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश का हमारे पदाधिकारी और सब जितना भी मीडिया प्रभारी सबको मेरे ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं अरुणाचल विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में विजिट कर रहा हूँ। भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी आज हमें जिस मंत्रालय को दायित्व दिया है उस मंत्रालय को बहुत सारे योजना है, इस योजना के बारे में घर घर तक ये योजना पहुँचे, इसीलिए मैं हर स्टेट में जाके माइनॉरिटी, यहाँ ज़्यादातर बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, कुछ कुछ जगह क्रिश्चियन कम्युनिटी है, तो उन्होंने से कल मैं तवांग में हमारे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के धर्म गुरु और नन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम मिले और बहुत सारा उनका डिमांड भी रहा। और उनका डिमांड से पहले मैं जो हमारे मंत्रालय में भारत सरकार के बहुत सारा योजना है इस मिनिस्ट्री में, अवेयरनेस का कमी से शायद ये योजना यहाँ तक नहीं पहुँची है। हम लोग जानते हैं स्कॉलरशिप छोड़ के बाकी योजना सब, जैसे प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में इस योजना में हम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए हम लोग रेसिडेंट स्कूल बना सकते हैं, हॉस्टल बना सकते हैं, महिला के लिए कोचिंग सेंटर बना सकते हैं, महिला हॉस्टल बना सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं, कोचिंग सेंटर बना सकते हैं, सद्भावना हॉल बना सकते हैं, मंडप बना सकते हैं, बहुत सारा योजना है। लेकिन ये अवेयरनेस की कमी से ये शायद स्टेट में, मैंने विभिन्न स्टेट में विजिट कर रहा हूँ तो बहुत सारा पदाधिकारी से बैठा मैंने, तो उनको कभी जानकारी भी नहीं है। तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर जानकारी नहीं है तो गांव-गांव तक, देहात तक ये योजना पहुंचे, इसीलिए मैंने डीसी साहब, सीएम साहब सभी से मुलाकात कर रहा। मैं मणिपुर गया था, उसके बाद मणिपुर के सीएम के साथ भी बैठा था, वहाँ पर बहुत सारे योजना चल रही है। वहाँ करीबन रेसिडेंट स्कूल 13 रेसिडेंट स्कूल चल रहे हैं और सद्भावना मंडप कम्युनिटी हॉल की तरह वो 10-12 वहाँ पर अभी स्टार्ट हो गया है। मैं उसके बाद मैं झारखंड भी गया था तो वहाँ पर भी इसका कमियाँ महसूस हो रहा है। वहाँ पर स्कॉलरशिप्स छोड़ के बाकी कुछ योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो इसीलिए मैं हर स्टेट में जाके लोगों को और वहाँ का पदाधिकारी से बता रहा हूँ कि हमारे योजना में चलिए हम राज्य और केंद्र सरकार मिल के इस योजना को
क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि और स्टेट में नॉर्थ ईस्ट छोड़ के यहाँ 90-10 का रेशियो है। केंद्र सरकार यहाँ 90% फंड केंद्र सरकार देगी और 10% स्टेट, और राज्य में 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार, तो यहाँ ज़्यादा लाभ है, तो इसका बेनिफिट लोग ले सकते हैं। और मेरा उद्देश्य है, मेरा सपना है, और मोदी जी का सपना को पूरा करना है, तो इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंप बैठा के लोगों को जानकारी दे, और केंद्र सरकार से इस योजना को लेके गांव-गांव तक इसीलिए पहुंचाया जाए। और इसीलिए आज मैं चीफ सेक्रेटरी के साथ आज बैठा, और सुबह मैं सीएम साहब अरुणाचल प्रदेश से सीएम साहब से भी बैठा था, उनको जानकारी भी दिया, तो बहुत सारा योजना उनको भी मालूम नहीं है, तो मैंने उन्हें भी बताया पढ़ो प्रदेश ऐसा योजना है कि आर्थिक स्थिति के कारण से हम लोग इतना अच्छा अच्छा स्टूडेंट, इतना अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट सब रहते हैं, तो आर्थिक स्थिति के कारण से पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये पढ़ो प्रदेश एक ऐसा योजना है कि वो स्टूडेंट का हम केंद्र सरकार से सब्सिडी दे के हम लोग विदेश भी हम लोग पढ़ा लिखाने भेज सकते हैं। और बहुत सारा योजना है, तो मैंने बुक्स भी दिया, इस बुक के अंदर में जाइए, आप लोग देखिए समझिए और आइए मेरा दफ्तर। थ्रू स्टेट भी है, थ्रू स्टेट हम लोग बहुत सारा योजना को हम इम्प्लीमेंट कर सकता है, और थ्रू एनजीओ के तहत डायरेक्ट एजेंसी भी है, डायरेक्ट एजेंसी के द्वारा हम लोग महिला के लिए ट्रेनिंग संस्था खोल सकते हैं, जो बच्चे पढ़ ली पूरा पढ़ नहीं पाए उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर, सीखो कमाओ नई मंजिल, ऐसे बहुत सारा योजना है। इस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक स्टेट में इसका बेनिफिट लिया जाए, इसीलिए मैं प्रत्येक स्टेट में विजिट कर रहा हूँ। अभी मैं जब से पदभार संभाला अब तक कम से कम 5 डिस्ट्रिक्ट मैंने विजिट कर चुका हूँ, और अभी स्टार्ट है, और आगे हम राज्य और केंद्र के साथ मिल के हम काम करना चाहते हैं, यही मेरा कहना था। मंत्री जी, बहुत अच्छा लगा सुन के आपका जो विचार है डेवलपमेंट का, स्कीम्स जो है, लेकिन आपने जब तवांग में, शायद तवांग भी गए थे आप ना? जी हाँ जी, कल हम लोग ने आपका न्यूज़ कैरी किया था, तो तवांग में आप गए, तवांग से फिर ईटानगर आए, आज शायद ऑफिसर्स लोग से भी आपने मुलाकात की है, बिशप के घर भी गए शायद? नहीं, आज अभी जाएंगे, जाएंगे ना, जाएंगे। तो ये सब करके आपको क्या अनुभव हुआ, पहले आप अपना अरुणाचल का अनुभव को थोड़ा बताइए, क्योंकि आपने अभी बताया कि ये स्कीम्स, ये बेनिफिट होता है, अरुणाचल को क्या दिया वो तो अभी तक आप बताया नहीं है, तो क्या देने का विचार है अभी मेरा? क्योंकि आप घूमेंगे तो जानेंगे, तो उसके बाद देंगे फिर? नहीं, यहाँ पर, यहाँ से तो प्रपोजल जाना चाहिए, इसी यही बताने के लिए मैं आया हूँ कि स्टेट से प्रपोजल जाना चाहिए थ्रू स्टेट। मैं इसीलिए सीएम को भी बताया कि आप, चीफ सेक्रेटरी को इसीलिए बताने आया था कि आप लोग प्रपोजल भेजिए, जस्ट सपोज मैंने उनको तो घोषणा करके भी चलाया कि मैं आपके लिए एक रेसिडेंट स्कूल जाऊंगा, वो क्या है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर एक रेसिडेंट स्कूल और एक सद्भावना मंडप मैं उनको घोषणा करके आया, और ये तभी होगा, तभी ये प्राप्त होगा थ्रू स्टेट, ये हमको प्रपोजल मिलेगा, तो विद इन द, मैं जितना जल्दी हो सके स्टेट हम मंत्रालय को प्रपोजल भेजे मैं तुरंत ही, और मैं केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट नहीं, जहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी ज़्यादा है ना, परसेंटेज ज़्यादा है, और हर ब्लॉक आना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने बोला कि आप लोग जाइए नीचे तक जाइए और प्रपोजल भेजिए जल्दी से जल्दी, हम हॉस्पिटल भी, हेल्थ सेंटर भी हम खोल सकते हैं, और रेसिडेंट स्कूल भी खोल सकते हैं,
महिला के लिए ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं, बहुत सारा है इसमें, लेकिन स्टेट से जाना होगा। इसीलिए स्टेट को अवेयरनेस के लिए मैं ही आया हूँ, और आप सबसे विनती है इस मंत्रालय का जो भी स्कीम है मैं आपको भी मेरे मंत्रालय का बुक्स दूंगा, और आपका भी दायित्व है काइंडली लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा भारत सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है नीचे तक देहात तक, और यहाँ का ट्राइबल 100% है, और ट्राइबल का बेनिफिट भी बहुत सारा योजना है वहाँ पर, ट्राइफट का एक योजना है, उस योजना से भी हम यहाँ इस क्षेत्र में ट्राइबल के लिए बहुत सारा बेनिफिट हम लोग दे सकते हैं। सर कल से आज तक आप गए हैं और भी जाएंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी। एक चीज़ है सर, अरुणाचल प्रदेश पूरा फ्रंटियर स्टेट में है, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है, काफ़ी डेवलपमेंट का ज़रूरत है सर अरुणाचल में। आप आए हैं, आपको कुछ ऑफिसर्स, अभी आप जैसे बताया कि यहाँ स्कीम्स का बारे में ही पता नहीं है, तो हम लोगों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारा जो ऑफिसर्स है माइनॉरिटी अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट यहाँ डिलीव करते हैं, क्या उनको कुछ ट्रेनिंग वगैरह जरूर जरूर ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स वगैरह देंगे, सो दैट दे कैन मेक द मैं उनको उनको दफ्तर में अब अपना दिल्ली बुलाया हूँ, जितना जल्दी हो सके हमारा दफ्तर दफ्तर के साथ जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है सब ऑफिसर के साथ हम अवेयरनेस कैंप बिठाएंगे, प्रोजेक्ट लगा के बताएंगे कि इस योजना को किस तरह हम अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ से हमारे सीएमबी बोले हैं कि हम यहाँ के पदाधिकारी को भेजेंगे, तो मैं खुद प्रपोजल दिया कि नहीं आप लोग आइए, आप लोग ये स्कीम लेने के लिए और इसके बारे में जानकारी का ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, वो आप आइए। इसीलिए मैं खुद आया, प्रधानमंत्री जी ने खुद भेजा है, दायित्व दिया है, इसीलिए मैं खुद डोर टू डोर। आज मैंने लोग एक दिन आके विजिट करके चले जाते हैं, मैं तो डोर टू डोर जा रहा हूँ। अभी भी मैं बहुत सारे एनजीओ से अभी मिलूँगा, मेरे लिए कोई मैं कभी भी मैं जब से मैं अपना राजनीति करियर मैं राजनीति करने से पहले सामाजिक मैं ट्राइबल लीडर ही था, अपने आप को पहचान दिया ही ट्राइबल लीडर से, तो लोगों का हर दुख सुख में मैं हर समय पास रहता, तो आज भी मैं आपके पास आया हूँ। आप लोग जरूर कम ट्राइबल ज़्यादातर है, तो ज़रूर यहाँ के लोगों के लिए आप इस स्कीम को ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेयरनेस कीजिए। सर सर अरुणाचल को पूरा ट्राइबल स्टेट माना जाता है, 100% ट्राइबल स्टेट माना जाता है, यहाँ में माइनॉरिटी है क्या, मतलब इसीलिए होता होगा कि ऑफिसर नहीं, नहीं 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 इसमें ऐसे नहीं है, ट्राइबल डिपार्टमेंट मैं खुद ट्राइबल हूँ और उसके बाद माइनॉरिटी भी है, यहाँ तो करीबन 40% माइनॉरिटी है, कुछ कुछ जगह 100% है डिस्ट्रिक्ट वाइज, ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी केवल यहाँ पर स्टेट ऐसा है ना, डिपार्टमेंट अलग अलग है, अगर ट्राइबल है तो ट्राइबल के लिए अलग है, तो उसके लिए भी बेनिफिट है, सरकार तो कर रही है कि राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए भी है, वही तो बोल रहा हूँ उनके लिए भी मैं खुद ट्राइबल हूँ और एज अ ट्राइबल लीडर हूँ और खुद ट्राइबल है, और मैं चाहता हूँ ट्राइबल भी उन्नति हो और माइनॉरिटी भी उन्नति हो, सबको लेकर चलना चाहता है भारत का प्रधानमंत्री इसीलिए भेजे हैं, मैं खुद ट्राइबल हूँ और मेरा पहचान ही बना है ट्राइबल लीडर। तो सर, हाँ जी, नहीं आपका बात आप थोड़ा ये खोल मार्क्स खोल के बताइए, नहीं अच्छा बताइए, मैं खुद एसटी हूँ, आप जो बोल रहे हैं डबल बेनिफिट, मैं मुझे खाली सर्टिफिकेट मिला, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ ना एसटी का बेनिफिट मिला ना माइनॉरिटी का, बहुत सारा स्टेट है ना, मैं खुद मिनिस्टर हूँ ना, ना मुझे माइनॉरिटी का बेनिफिट मिला, मैं पश्चिम बंगाल से रहता हूँ, ना स्टेट का माइनॉरिटी का बेनिफिट मिला, सर्टिफिकेट केवल है एसटी सर्टिफिकेट, बाकी कुछ नहीं मिला। ये बोलने से हम लोग आपस में मतभेद करने वाली बात हो गया, हम पहले कहाँ मिला है
ट्राइबल का कितना बेनिफिट मिला, माइनॉरिटी का कितना मिला है क्या आप बताइए? यहीं पर माइनॉरिटी का कागज कलम में केवल पड़ा हुआ है कागज कलम में। आप यहाँ पर कंट्रोवर्सी में मत आइए, दोनों को लेके भारत का भारत सरकार, हमारे मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका, आप सबका सहयोग। अगर आप इसमें मतभेद कीजिएगा तो नहीं होगा ना, अभी तो शुरुआत है, उन्नति का चल रहा है, चले नहीं मिलके अभी यही तो बताने के लिए आए हैं। आप अगर इस जगह आप मतभेद कीजिएगा, चले ना उन्नति सब मिलके, क्यों हम लोग एक दूसरे का भाग कर रहे हैं? उनका बेनिफिट मिला ही तो नहीं है। कागज कलम में अगर एसटी बन गया माइनॉरिटी, ये तो माइनॉरिटी अभी बोल रहा हूँ ना, माइनॉरिटी तो बोल रहे हैं ये माइनॉरिटी होगा, क्या मिला है उनको? माइनॉरिटी होके भी अभी भी कुछ मिला नहीं है, बोल रहा है स्कूल नहीं मिला है, संस्था मिलेगा वो भी नहीं मिला है, तो कहाँ माइनॉरिटी, उनको तो कुछ मिला ही नहीं है। मैं खुद क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता हूँ लेकिन मुझे अभी तक माइनॉरिटी का कोई भी एक लाभ नहीं मिला, कागज कलम में खाली तिजोरी में बंद है। स्कीम बनने से केवल नहीं है, यह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए आया हूँ, आप सबका सहयोग चाहिए। भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी ने हमें भेजा है, आप सबका सहयोग चाहिए, चले मिल के चलेंगे स्टेट और राज्य। धन्यवाद, थैंक यू।